हेलो गर्ल्स, क्या हाल चाल? पागल हो गई। तो भाई वेलकम बैक। आज बहुत मजे का ब्लॉग होने वाला है। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट ब्लॉग होने वाला है। ये हमारा शॉपिंग ब्लॉग में मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ब्लॉग है। तो ये देखें क्या आया है। ये हमने की है शीन से शॉपिंग। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर भी मैंने की थी। वो तो खैर बहुत बड़ा बॉक्स आया था, तो इसको देख के मैं थोड़ा सा दुखी हुई हूँ। काफ़ी छोटा लास्ट ईयर वाले से ये काफ़ी छोटा आया है। पैसे ज़्यादा लगाती तो ज़्यादा बना पाता, तो इस बार पैसे कम लगाए हैं। तो इसको ओपन करते हैं। अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, जस्ट मैंने इसकी टेप कट की है। बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको खोलते हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है शीन से इस बार। इस बार तो शीन पे इतनी मुझे चीज़ें नज़र आई, इतनी अच्छी अच्छी थी, मतलब लालच जो है ना बंदे का वो खत्म नहीं होता है। तो इतना मुझे हो रहा था यार ये भी मंगवा लो, ओहो ये भी कितना अच्छा, ये भी मंगवा लो, ये भी मंगवा लो। मैं अभी बता नहीं सकती इसमें से। अभी मैंने कोई चीज़ें हाफ की हैं, अभी ये अभी समझे मैंने हाफ मंगवाया, हाफ जो है वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं फिर सही अभी नहीं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें से कम कर दी, स्पेशली नाइट सूट वगैरह मैंने काफ़ी निकाल दिया, वरना वो मुझे 3-4 मैंने लेने थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट, ओपन करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि हमने साथ साथ क्या चीज़ें मंगवाई हैं। आ जाओ, हमारा कैमरा मैन आएगा ना, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि क्या क्या आया है। फिर हम लोग साथ साथ ट्राई भी करते हैं चीज़ें जो जो आई हैं। स्पेशली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेकअप की को चीज़ें और भी बहुत मज़े की चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी आप वेट करें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा आज का बॉक्स। आइए करीब आगे दिखाते हैं हम आपको। ये है सारी चीज़ें जो कि मैंने मंगवाई है। माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, हमने एक एक करके निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। ठीक है, सबसे पहले तो ओ हील लाइन है, और हील्स को हम एंड में चेक करेंगे क्योंकि इन्हें खोलना होना पड़ेगा। और ये शर्ट्स भी हम लोग एंड में चेक करेंगे, ये वाली चीज़ें ना एंड में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये है। ओ माई गॉड, माशाल्लाह इतना खूबसूरत हसीन, चेक करें और इसकी शाइन। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये देख रही थी पिक्चर में, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। कैसा लग रहा है तुम बताओ? माशाल्लाह बहुत शाइनी, प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और ये वाला सेक्टर, हाँ ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरे भाई के साथ कर लिया, मेरा भाई ऐसा ही है ना, हाँ। बीट है, सेम स्टोन है। ये हो गया है शी ग्लैम की भी, मैं आपको दिखाती हूँ इसका सारी चीज़ें। मैं साइड पर करूँ ताकि मैं फिर आराम से दिखा सकूँ कि मैंने शी ग्लैम का क्या क्या मंगवाया है। तो शी ग्लैम की सारी चीज़ें हम साइड पर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये बेल्ट मंगवाई है मैंने, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ये पिक्चर में। जो तो नॉर्मली इस तरह की मिलती हैं, सिंपल वाली मिल जाती हैं, तो मुझे देखने में अच्छी लगी, मैंने कहा चलो ये मंगवाते हैं। ये बेल्ट भी है। उसके बाद मुझे ये चाहिए थी, स्टिक चाहिए थी। ये स्टिक भी है और स्टैंड भी है, दोनों हैं। तो ये मैंने फिर उसके लिए मंगवा लिया है। उसके बाद आ गई हैं हमारी लैशेज़। लैशेज़ बड़ी प्यारी मुझे मिली हैं, जबकि नॉर्मली मैं इतनी यूज़ नहीं करती, लेकिन साइड लैशेज़ मुझे अच्छी लगती हैं। एंड में बस आप एक छोटा सा पीस लगा लो तो आपकी आंखें ना बहुत बड़ी होगी, बहुत अच्छी बर्ड आइज़ लगती हैं। तो एक मैंने कॉर्नर लैशेज़ मंगवाई हैं, एक ये बड़ी प्यारी मुझे लगी थी, बहुत लाइट सी हैं। अगर आपने थोड़ा सा वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है तो ये वाली मंगवाई हैं, और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, अजीब सी हैं, टेढ़ी सी। तो ये यूँ जा रही हैं बर्ड की तरह ऐसे करके, मैंने कहा चलो इनको भी ट्राई करते हैं। अच्छा, ये मुझे पिक्चर्स में काफ़ी लग रहा था बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन ये रियल में बहुत छोटी हैं, बहुत ही टिटी है, मतलब देखा बहुत छोटी है। मैं सोच रही हूँ तो बच्चे की आँख पे लगेगी, मेरी आँख पे तो नजर ही नहीं आएगी। ओहो चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेंगे। ओ एक और बेल्ट मंगवाई है, बहुत ही प्यारी। ओह कैसी लगी है? ये मुझे भी अच्छी लगी। हाँ, ये भाई के साथ जो मैंने वो लिया था, हम लोग से काफ़ी अच्छी लगी। और मेरे ब्लैक प्रॉप के साथ जो हुई है, एक्चुअली मैंने मैक्सीज इस दफ़ा इतनी खरीद ली है ना, तो मैंने कहा मैक्सी के साथ बेल्ट होना तो लाजिम है, उसके बगैर मैक्सी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक लिया। ये सिल्वर में भी ली है, ये भी बेल्ट है, ये मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। बाद में लड़कियाँ कहती हैं ओपन करके नहीं दिखाती, ऐसे ऐसे चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ली है बेल्ट सिल्वर में। मैंने कहा गोल्डन सिल्वर ब्लैक होनी चाहिए लाजिम, तो ये सिल्वर वाली मुझे प्यारी लग रही थी, तो ये मैंने ले ली बेल्ट। मैंने मुझे बेल्ट बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने ना बहुत अपने दिल पे पत्थर रखे ना, तो वरना बेल्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कोई 10 बेल्ट तो मुझे पसंद आई थी, तो मैंने नहीं ली। अच्छा, उसके बाद आ गया है ये चेन है, उसमें है 3 लेयर में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने की प्यारी मुझे लगा था, बहुत डिसेंट सी है, 3 लेयर्स में आई है, कि अलग अलग ना हो, नहीं ये एक ही है लेकिन 3 लेयर है इसकी, खास से 3 लेयर में आएगी। मैंने जब लग रही थी उनका गोल्डन में है, सबके साथ पहनी जाती है। ठीक है, उसके बाद आई है ये क्या है, ओ ग्रीन, ओब्वियसली एमरल्ड ग्रीन कलर चल रहा है, सबके पास होना चाहिए। तो ये मैंने उनके जो है वो मंगवाई है ब्रेसलेट्स, देखो कितनी प्यारी है, कलर चेक करो बस, ये इसके 3 लेयर में है, ये चेक करो कैसा, माशाल्लाह प्यारी है ना। तो ये मेरे पास 3 ग्रीन कलर में, तो इसलिए मैंने ग्रीन में मंगवा ली है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत 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 प्यारी आपको शीन पे मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सस्ती मिलती हैं। जैसे यही चीज़ आपको यहाँ पे 35 रियाल की मिलेगी, और शीन पे आपको ये 7 रियाल 8 रियाल की मिलेगी, मतलब 35 और 7 रियाल, मतलब आप 4 खरीद सकते हो। अच्छा, शी ग्लैम की मैं सारी चीज़ें भी साइड पर कर रही हूँ, मैं आपको ये मैंने उसी तरह का मंगवाया, लेकिन ये मैंने वाइट में मंगवाया है।
वो जो है जो मैंने पहले मंगवाया है सेम सेम लग रहा है, ये मल्टी में है, स्वारोस्की है, ये वाइट है, क्रिस्टल की शाइन में इसमें मल्टी शेड्स आ रहे हैं, ये वाइट में था इसलिए मैंने दोनों मंगवाए। मेरे समटाइम होता है आपको सिल्वर में चाहिए होता है ना तो ये अच्छा लगेगा, ये समटाइम नहीं आपको इतना अच्छा लगता तो इसलिए मैंने दोनों कलर मंगवा लिए थे। ओहो ये इयररिंग्स जो है ना इनका मुझे शदीद इंतज़ार था, सख्त वाला इंतज़ार था क्योंकि ये मुझे सबसे अच्छे लगे थे और 10 बार मैंने सोचा इन्हें निकालूँ, फिर मैंने कहा नहीं निकालूँ क्योंकि इन सब चीज़ों में सबसे एक्सपेंसिव यही थे मतलब ज्वेलरी में, तो फिर मैंने सोचा निकालूँ नहीं निकालूँ नहीं निकालूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार पर्पल में ना इयररिंग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मुझे चाहिए थे। अच्छा ये जितने मुझे पिक्चर्स में बड़े लग रहे थे उतने बड़े हैं नहीं, लेकिन चेक करो खूबसूरत माशाल्लाह, चेक करो हसीन, वाह शाइन चेक करो, मतलब वाकई में जो इनकी प्राइस थी उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत है और पहने हुए हसीन लगेंगे, पर्पल कलर वेरी नाइस, शुक्र है मैं वरना मुझे अफसोस होता मैंने इतने पैसे क्यों लगा दिए उस पर, वेरी 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 प्रीटी। अच्छा जी उसके बाद ये कितना भारी है, ओह माय गॉड होता ना पर्स है इतना भारी, अच्छा अच्छा इतना भारी है, अच्छा स्टोन वाला दिखाती है, बहुत 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 प्यारा है और इसके कलर्स इतने खूबसूरत थे मेरा दिल कर रहा था मैं सारे कलर मंगवा लूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा मंगवाऊँ कौन सा ना मंगवाऊँ, इतने खूबसूरत इसके कलर्स हैं और ये हर जगह इतना सेल हो रहा है और इतना एक्सपेंसिव सेल हो रहा है, पाकिस्तान में तो 11,000 का सेल हो रहा है ये और आप मतलब कहोगे कि वाकई में यार खूबसूरत, ओह हो माशाल्लाह ये निकला, ओह पोटली निकली, ओए होए शाइन चेक करो ज़रा इसकी लड़की, ओ खूबसूरत आए, अब तो मुझे लगता है मुझे इसके सारे कलर लेने पड़ेंगे इसका तो मुझे लगता है वाइट वाला सिल्वर वाला ब्लैक, ओए होए नहीं ब्लैक नहीं लूँगी, ब्लैक इतना नहीं उठ रहा था, बाकी कलर पिंक ग्रीन ब्लू माशाल्लाह, मैंने गोल्डन इसलिए लिया क्योंकि गोल्डन में नॉर्मली नहीं मिलते, बाकी मुझे ब्लैक वाले थे उस तरह के काफ़ी मुझे मिल रहे थे तो मैंने कहा ब्लैक मैंने दूसरा ले लिया है तो ये वाला चेक करो यार सेम, लेकिन इसका इन्होंने वो नहीं किया, अच्छा अंदर है इसके साथ वो भी लगा सकते हो बेल्ट, जो रियल में शाइन है ना वो इसमें नहीं आ रही, जो रियल में है ना वो आपको इस लाइट में नहीं पता चलेगी, अगर मैं रिंग लाइट ऑन करूँ ना तो शायद आपको इसकी शाइन फील हो लेकिन ये कभी भी वीडियो में उसकी शाइन वो चीज़ आएगी नहीं जो ये रियल में है, रियल में आप देखोगे आपको ओ इतनी शाइन और अच्छा खासा हैवी है, स्टोन है ना सारे स्टोन हैं और ये आप देख लो ये प्लास्टिक वाले नहीं है ये प्रॉपर वाले स्टोन हैं इसके ऊपर खूबसूरत। अच्छा ये मुझे छोटे से मिले हैं इयररिंग्स, ये मैंने लिए थे, ये मैंने सांप वाला जो है चौकर लिया है इसके साथ मैचिंग मैंने ये इयररिंग मतलब छोटे वाले हैं स्टड टाइप नहीं है लेकिन बाली टाइप है, इसके साथ मैंने ये मैचिंग लिए हैं क्योंकि ये पिक्चर में काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहे थे, रियल में इतने इसके शेप प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, सांप शेप की हो गई है इसके ऊपर और ये वाला देखो ये वाला बहुत प्यारा है ग्रीन में, ये चेन है यूँ चौकर में आता है और यहाँ पे ये दो सांप आएंगे, उस पर ये मैंने लिए हैं ये लेयर्स में है इसके आई थिंक 3 या 4 या 5 लेयर में है, ये वाइट में है 1 2 3 4 तो ओपन करने की जरूरत नहीं बस ऐसे ही आप रुके ठीक है। ओह एक और चेन ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, चेन नहीं सॉरी बेल्ट है, ये मैंने गोल्डन प्योर गोल्डन ली है, ये भी बहुत प्यारी चेन है, चेन प्यारी है तो चेन स्टाइल में लेकिन वैसे बहुत प्यारी है, ये देखो कैसे लगे ये फ्रॉक के ऊपर ना जहाँ ये पॉइंट हो गई इतना अच्छा है, मैं गले में पहन के ताकि आपको सही से पता चले ये इस तरह मुझे सिंपल अच्छी लग रही थी, प्लेन पहन के ड्रेस के साथ अच्छी लग रही है, वाइट के ऊपर भी और ब्लैक के ऊपर बहुत प्यारी लगेगी, वेरी एलिगेंट ये भी मंगवा लिए थे मुझे अच्छे लग रहे थे, नेल्स जो कि मैंने लगाने नहीं होते लेकिन कभी कभी दिल करता है तो होने चाहिए बंदे के पास, तो ये मैंने ये वाले बड़े प्यारे से नेल्स मंगवाए हैं लेकिन क्यूट से हैं ठीक है। उसके बाद ये मैंने मंगवाए हैं उसके लिए जूते में पीछे आपके लगता है ना जब जूता तो उसके पहनने के लिए मतलब पाँव पे आप ये कहीं भी लगा सकते हो, इस तरह का एक लगाते हैं क्योंकि मुझे तो हर जूता ही लगता है खैर से, ये इस तरह का आपने लगा लेना होता है पीछे लगा लो अपने उंगलियों पे लगा लो तो आपका पाँव ज़रा बचा रहेगा अगर आपका मेरी तरह पाँव डैमेज रहता है हर वक्त तो। ओ सॉक्स मंगवाए मैंने हर कलर में आ गए, पूरा सेट मिल रहा था तो मैंने कहा प्यारे सॉक्स है हर कलर हो जाएगा तो मैंने ये भी मंगवा लिए। रोलर्स मैं कब से ये वाले मुझे चाहिए थे, मैंने कहा मुझे चाहिए, मैंने इतने लोगों को लगाए हुए देखे ना मैंने कहा यार अब मुझे ये चाहिए, मैं भी ना रोल करके ब्लो ड्राई करके और रोलर्स लगा के करूँगी हाँ तो इसलिए मैंने कहा मुझे भी ये चाहिए तो ये मैंने मंगवाया, ये 12 का सेट है इसमें 12 पीसेज हैं मुझे कहते हैं इंशाल्लाह हम कोई करेंगे हेयर स्टाइल वगैरह करेंगे फिर उसके बाद आएंगे। ओ ये नेल्स चेक करो
बस किसी दिन कहीं चलते हैं और यही लगा लगा के कर्ल्स करके क्यूट लगे थे। मैंने कहा आजकल फ्रॉक्स मैंने काफ़ी ली हुई हैं तो फ्रॉक्स के साथ ही काफ़ी प्यारा लगेगा। और बटन डाउन जो शर्ट्स हैं उनके साथ दो स्टार्स हैं और ये इस तरह से दो चेन में ना लेयर्स हैं और ये इस तरह से है। मुझे बड़ा क्यूट लगा, मैंने कहा ऐसी चीज़ें क्यूट क्यूट ज़रा कम कम मिलती हैं तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है और ये मैंने कहा मैंने ये लाजिम लेनी है क्योंकि मुझ जैसे जो सुकड़ लोग हैं जिनकी पैंट गिरी रहती है या स्कर्ट गिरी रहती है या उन्हें अक्सर अपनी चीज़ें टाइट करनी होती है ना, तो आप ये देखें बहुत ही प्यारे इस तरह के उन्होंने बनाए हुए हैं। ये पिंस हैं तो इनसे आप अपनी जीन्स को भी टाइट कर सकते हो और वो फील भी नहीं होगा कि आपने टाइट किया हुआ। अगर आपको बेल्ट वगैरह नहीं पहननी, आपने ट्राउज़र लिए हैं जो लूज़ हैं तो आपने साइड पर इसको ऐसे कर लेना है और ये बस डिज़ाइन नज़र आएगा और किसी को फील भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा आपने स्टाइल इनके लिए पहनी हुई है। जिसमें काफ़ी अलग अलग दो तीन तरह के डिज़ाइन थे, मैंने कहा ये तो काम अच्छा हो गया क्योंकि मुझ जैसे लोगों जिनकी जीन्स हमेशा गिर रही होती है या फ्रॉक कभी लूज़ होती है तो आप आराम से इसको बैक पे लगा सकते हो, साइड पे लगा सकते हो आराम से और ये देखने में भी प्यारे लगेंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये लाजिम मुझ जैसे लोगों के लिए ज़रूरी है तो ये मैंने मंगवा दी। अच्छा जी, उसके बाद आ गई ये क्या इतना भारी है, ये भी एक बहुत भारी भारी चीज़ आई। ये मुझे लग रहा है पर्स है, ये भी अच्छा खासा भारी आया। ओए शाबाश, ये मैंने लड़कियों से पूछा था इंस्टाग्राम पे कि मुझे कौन सा बाय करना चाहिए तो सबसे ज़्यादा वोट इसको आए थे तो ये मैंने फिर बाय किया है। तो इसके क्रिस्टल भी बहुत प्यारे हैं, रियल में बहुत ज़्यादा वीडियो में उतने शाइन कर रहे हैं, वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा, रियल में शाइन कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में आपको नहीं पता डिफरेंस है। मैं यूं देख रही हूं ना कि इस पे थोड़ी सी लाइट पड़ेगी ना जब येलो वाली, फिर इसके शाइन पता चलेगी वरना वीडियो में आपको लगेगा कि जरा ये डिम आ रहा है वीडियो में ना। तो रियल में इसमें काफ़ी अच्छी सी मजे की शाइन है और बहुत डिसेंट सा है, आजकल ये बहुत इन है, आपको तकरीबन काफ़ी पेजेस पे ये नज़र आएगा आजकल सेल हो रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कलर्स थे लेकिन मुझे ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे फ्रॉक के साथ चाहिए था तो मैंने कहा ये सही, इसलिए मैंने बाय किया है। इसको भी इंशाल्लाह हम जल्दी पहनेंगे फ्रॉक के साथ, जो कि काफ़ी लोग आजकल पहन के फिर रहे थे, मैंने कहा मैं भी लूँ, मैं भी पीछे रहूँ भाई। तो ये जो कौन से वाले बैग कहते हैं साइड क्रॉस बॉडी, हाँ क्रॉस बॉडी बैग्स, तो ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा। ये मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वाइट है फिर गंदा हो जाता है, तो ये वो वाले मैंने बैग लिए हैं तो ये काफ़ी अच्छे मुझे लगे। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही, इसको मैं कोई और दूसरा कलर ओपन करके दिखा देती हूँ। मैंने तीन लिए हैं डिफरेंट डिज़ाइन, एक वाइट लिया है, एक ये बेज कलर में लिया है और एक ब्लैक लिया है, ब्लैक ये ब्लैक है वो, ये भी अच्छा खासा भारी है। तो ये देखते हैं ओपन करके, अच्छा है जिस तरह साइड वाले के साथ आता है, चेन आएगी उस पर आपने इसको करना है और ये ऐसे पहना जाएगा। नहीं मैं इसे ओपन नहीं कर रही वरना सारा सारा ओपन करना पड़ जाएगा, मुझे लंबा काम हो जाएगा तो इसलिए ये जब पहनूंगी तो फिर आप देख लेना, बाकी आपने देखा तो होगा नॉर्मल सबको पता ही है डिज़ाइन का। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ बहुत आजकल लाजिम है, दिखा देती हूँ, जो इसके बगैर ना काम बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल। जब आपने मुंह धोना है तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होता है, तो ये उसमें है जैसे टॉवल होता है ना, ये आपने पहन लेने हैं ताकि जो भी पानी जाएगा वो यूं नहीं जाएगा, यूं वो इस पे जाएगा तो गीला नहीं होगा। और साथ में पैंट है, आपने पैंट पहनना है, पहन रहने दो तो ये बैंड पहनेंगे, ये करेंगे और ये आसान काम। इसमें और बहुत प्यार प्यार कलर्स, लेकिन मैंने कहा नहीं वो गंदे हो जाएंगे, लाइट लाइट है, धोना भी होता है फिर साफ भी रखना पड़ता है, टेंशन हो जाती है। तो ये एक मज़े की चीज़ मिल गई है, ये भी कोई भारी भारी सी चीज़ है, ये भी मुझे बैग ही लग रहा है, ये भारी भारी सारे बैग्स हैं। और ये वाला कौन सा है मुझे याद क्यों नहीं, मुझे याद है ओ सिल्वर में तो था, ओ मैं भूल ही गई, सिल्वर भी तो मंगवाया था, मेरे का ब्लैक हो गया, गोल्डन हो गया, सिल्वर भी होना चाहिए। ओ लुक एट दिस, इसकी शाइन आ रही है नहीं आ रही है, हाँ इसकी तो आ रही है, यहाँ से ये ऐसे बंद होगा ठीक है और ये ऐसे है,
जरा सी कम है लेकिन अच्छा लग रहा है वीडियो में। हाँ इसमें भी और काफ़ी कलर्स थे लेकिन मुझे सिल्वर ही चाहिए था क्योंकि नॉर्मली सिल्वर नहीं यहाँ पे मिल रहा था कोई अच्छा। मैंने कहा ये वाला प्यार है तो ये हम सिल्वर ले सकते हैं, तो ये मैंने सिल्वर ले लिया। ये आप ऐसे भी पहन सकते हो और ये लेयर है तो मतलब चेन है तो ऐसे वो पहन सकते हो। ये भी हो गया है। अब आ जाते हैं हम बहुत ज़रूरी चीज़ों पर। बिस्मिल्ला, एक दो मैंने तो बस एक देखा था बस। ओपन करके देखे चार कैसे होंगे, निकलेगा क्या? चार कब हुआ है? एक बहुत ही प्यारा, इसकी शाइन चेक करो, बहुत खूबसूरत शाइन है। और इसकी ये वही जैसे मैंने बोली है ना बेल्ट, उसकी तरह का है। हाँ ठीक है। ये हमने इसके साथ मैचिंग किया था, हमने कहा चलो चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ले लेंगे। तो ये इसके साथ लिया था, अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी सब। इसके साथ मॉडलिंग करेंगे, पहले हम एक दफ़ा चेक कर लें सारे कौन कौन से आए हैं। ओके सेकेंड आ गया है, इसका मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार था। ओके ये आया है फाइनली हमारा ब्लैक, जो मैं बहुत शिद्दत से लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे मैंगो से एक ब्लैक पसंद आया था, वो सेम ऐसा है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने कहा वो लूँ के ना लूँ, फिर मैंने कहा ये मंगवा के देखती हूँ, अगर ये मुझे पसंद आया फिर मैं मैंगो वाला उठा लूँगी। तो अभी मैं पहन के देखती हूँ फिर आप लोग मुझे बताना कैसा लग रहा है। वरना वो बिल्कुल सेम ऐसा है लेकिन वो उसमें है वेलवेट में, वरना शेप और ये सब सब बिल्कुल सेम है। लेकिन इसका स्टफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, उसकी ज़रा वो सी लेदर था। वो ख़राब हो जाता है। हाँ उसको ना साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको निशान उस पर पड़ जाते हैं लेदर पे। चलो इसका भी पहन के देखते हैं। ये है ब्लैक फाइनली, ये मैंने सेम टू सेम इसके साथ मैच किया था हम लोगों ने। मैंने कहा चलो चलेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा पिंक है लेकिन खैर दूर से इतना फील नहीं, इतना नहीं फील नहीं होगा पहन के, फील क्योंकि मैं बहुत टाइम से पिंक लेना चाह रही थी। मुझे एक दो वेबसाइट पर पिंक मिला लेकिन हर जगह आउट ऑफ स्टॉक था। मैंने कहा क्या सारी दुनिया ने ले लिया है क्या? ये वीडियो में जरा लाइट वाला पिंक आ रहा है। अच्छा। ये शॉकिंग पिंक है। हाँ ये रियल में वो फूशिया पिंक होता है ना। हाँ, वो है बार्बी पिंक, बिल्कुल जो बार्बी पिंक कलर है डार्क वाला, ये वो कलर है। तो ये भी अभी हम पहन के देखते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक जूता है, या तो ये निकल आया तो निकल आया, और अगर नहीं निकला तो बस फिर मैं चार बोलूँ। तो बिस्मिल्लाह प्लीज़ अच्छा हो। आर यू गाइज रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? 1 2 3 माशाल्लाह। सब छोड़ो, हील देखो बस, हील चेक करो। और हम लोगों ने जूता सिर्फ हील की वजह से ही ऑर्डर किया था कि इसकी हील इतनी अच्छी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे चेक कर रही थी, इतने बड़े बड़े ब्रांड ने ये जूता खरीद के ऊपर अपना सिर्फ अपना लोगो लगाया हुआ है या अपना नाम लिखवाया हुआ है, ब्रांड नेम लिखवाया हुआ है। सबके पास यही जूता है लेकिन अलग कलर्स में है। मतलब आपको पिंक में भी मिल रहा है, ब्लू में भी मिल रहा है, लेकिन मुझे गोल्डन चाहिए था क्योंकि मेरे पास गोल्डन कोई अच्छा जूता नहीं था। मैंने मुझे गोल्डन चाहिए तो इसको भी पहन के देखते हैं। आई विश कि मेरे पाँव में बिल्कुल सही रहे, कम्फर्टेबल रहे, वरना ना फिर तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, वरना ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए रह जाएगा। लेकिन चलो देखने में तो बहुत हसीन लग रहा है, शीग्लैम की चीज़ें जो मैंने मंगवाई हैं, इसमें सबसे पहले मैंने मंगवाए हैं दो हाइलाइटर इनके, क्योंकि मैंने इनके हाइलाइटर यूज़ नहीं किए, मैंने कहा इनके हाइलाइटर दो, ये भी मैं खोल के भी दिखाऊंगी। 3 इनके ब्लश ऑन, मेरे पास ऑलरेडी इनके 3 ब्लश ऑन हैं, मुझे बहुत पसंद है। इनका कॉन्टोर शेड भी मेरे पास एक है तो मैंने और शेड मंगवाए हैं, बहुत अच्छे हैं। एक आई शेडो मैंने कहा मंगवा के देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो बाद में और मंगवाऊंगी। और इनके ये न्यू लिप कलर जो आप सबको पता है बहुत फेमस हुए हैं टिकटॉक पे, तो मैंने कहा ये भी मंगवा के देखती हूँ। मैंने 4 मंगवाए हैं, चेक करेंगे अच्छे हुए तो फिर इनके आई थिंक 2 और कलर है तो वो भी मंगवा लेंगे, तभी मैंने 4 मंगवाए हैं। तो खोलते हैं, सबसे पहले आई शेडो देखते हैं इनका। अच्छा, ये क्रीमी है, लिक्विड में है, और यहाँ से ही हम थोड़ा सा लेके चेक करो ज़रा कैसा लग रहा है। हसीन ये वो वाला है ना, होलोग्राफिक, होलोग्राफिक वाला है, क्योंकि वीडियो में सिल्वर आ रहा है और मैं रियल में देख रही हूँ तो कलर आ रहा है ब्लू ब्लू आ रहा है। हाँ, तो ये आपको शायद वीडियो में उतना अच्छा लगेगा, पता ना चले, मतलब आप सिंपल आई मेकअप करके उसके ऊपर लाइट सा ये टैप कर लो तो आपकी शेडो में काफ़ी अच्छी शाइन आएगी, मतलब ग्लिटर भी नहीं है और शाइन भी आ जाएगी और आपको ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो एक मंगवा के पहले कलर देखती हूँ, अगर ये अच्छा लगा तो फिर मैं मंगवा लूँगी। और ये बिल्कुल ड्राई हो गया, देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, अभी उतरेगा भी नहीं।
इसे आप लिप्स पे भी लगा सकते हो और चीक्स पे भी लगा सकते हो और आईज पे भी लगा सकते हो। पाउडर तो बहुत गिरता है। ये देखें, ये बिल्कुल ना हिलेगा और ये बिल्कुल मैट हो गया, मतलब लग नहीं रहा कि लिक्विड है। इनके वो लिप ये ग्लॉस की तरह के हैं, बहुत लाइट सा इसमें शेड है और ग्लॉस है। इनके मैं आपको शेड्स दिखा दूंगी, लेकिन इनके ऊपर ना इनके ऊपर फुल रिव्यू मैं वीडियो करूंगी ताकि आपको सारे शेड्स अप्लाई करके प्रॉपर दिखाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले इनके साथ लेना चाहो तो। तो ये जस्ट अभी मैं आपको वैसे एक शेड दिखा दूंगी, बाकी इनके ऊपर प्रॉपर रिव्यू जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी मैं आपको एक दिखा देती हूँ जिसका नाम है सीफिया किस सीफिया। तो ये देखने में बहुत डार्क है, आपको लगेगा ओह माय गॉड इतना डार्क कलर, लेकिन ये जब मैंने लोगों को लगाते हुए देखा है ना तो मुझे ये कहीं से डार्क नहीं लगा। तो आपने इसको हल्का सा यहाँ से प्रेस करना है और ये थोड़ा सा प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि इतना क्रीमी है ये टूट के गिर जाएगा। इसको मैं अप्लाई करके देखते हैं, आ रहा कलर? ओह ये तो बहुत ही क्रीमी है, ये ग्लॉस लग रहा है। हाँ ये एक्चुअली है वैसा ही, शाइन तो है ना? तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी इसकी, उसमें मैं प्रॉपर आप लोगों को लिप लाइनर के साथ लगा के दिखाऊंगी कि एक्चुअली कैसे लग रहे हैं। अभी आप देख लो इसका, ठीक है, वो प्रॉपर लाइट में दिखाऊंगी तो आपको सही नजर आएगा, इस लाइट में हो सकता है इतना प्रॉपर नजर ना आए। उसके बाद ये इनके हाइलाइटर्स हैं, ये मैं दोनों, अच्छा ये इसका शेड है बेलिनी ब्रंच इसका ये हाइलाइटर है। अच्छा ये देखने में बिल्कुल मुझे लाइट सा लग रहा है, आई डोंट नो ये रियल में आपको कितना कलर नजर आएगा। ये देखें शाइन आ रही है? नहीं आ रही, इसको मैं ब्लेंड करती हूँ शायद तब आए। बहुत लाइट कलर है, जस्ट आपने शीन देना है ना अगर चीक पे तो ब्लश ऑन के साथ हल्का हल्का लगा के उसके साथ ब्लेंड कर लो तब इसका कलर जो आएगा। तो ये है गोल्डन में, मतलब रियल में तो इसका कलर है, आई डोंट नो वीडियो में आएगा या नहीं आएगा। इसको कलर आ रहे हैं गोल्ड एंड पिंक, लेकिन शाइन नहीं आ रही, शाइन इस तरह नहीं आएगी, वो हम लोग थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं, शायद ब्लेंड करके आए। रियल में तो बहुत है, ये पिंक में आ रहा है, ये देख आ रहा है जरा जरा सा। तो मैं आपको प्रॉपर रिंग लाइट के साथ दिखाऊंगी, फिर आप देखना बहुत हल्की सी अच्छे से। और इसके साथ अगर आप ये वाले ब्लश ऑन मिक्स करके लगाओगे ना तो आपकी चीक पे बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा, जो बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि आपने हमें भी उनके लिए जिन्हें बहुत लाइट सा हाइलाइटर चाहिए होता है, तो बहुत हैवी 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 वो शिमरी टाइप में, बिल्कुल देखें ऐसे हो गया जैसे पता ही नहीं लग रहा कि ये हमने लगाया है। तो ये बेस्ट रहेगा अगर आप लाइट लाइट सा लगा के ब्लेंड कर लो, ब्लश ऑन लगाओ। और मैं ब्लश ऑन के कलर आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले है रोज़ रिचुअल, मेरे पास ऑलरेडी इसके तीन कलर हैं, उसमें कपकेक है, रिस्की बिजनेस है और एक और कलर है उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये देखें ज़रा कलर, ओ प्यारा कलर आ रहा है, ये थोड़ा सा पिंक की पीची कलर में है, पीच है। तो ये कलर आ गया है, इसको ना हम हाइलाइटर के साथ भी ब्लेंड करके देखते हैं। अच्छा दूसरा है हश हश, ये हश हश है, ये थोड़ा सा कोरल में आ रहा था। ओ नहीं ये तो बिल्कुल ही अलग कलर है, देखा बहुत लाइट सा कलर है। अब पता नहीं चीक पे नज़र आएगा भी कि नहीं आएगा, मैं तो ये सोच रही हूँ चीक पे आएगा कलर नज़र। इसके ऊपर ना थोड़ा सा ये इन दो को मिक्स करके लगाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा कलर आए, लेकिन ये रियल में काफ़ी, मतलब जब मैंने वीडियो में देखा था वहाँ पे ऑनलाइन तो ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा था, यहाँ काफ़ी डिफरेंट है। अब इसको देखते हैं, और ये थोड़ा सा ब्राउन में है, ये बर्थडे स्वीट है। अच्छा ये कलर प्यारा है, ओह इस वन इज़ सो प्रिटी, ये मेरा फेवरेट है इन सब में, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा मुझे इस तरह के कलर बहुत पसंद है। तो ये देखें ये और ये मेरा फेवरेट इनमें से लग रहा है। उसके बाद ये बहुत लाइट है, ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। अच्छा ब्लेंड करके प्यारा लग रहा है कलर, लाइट हो गया ना जरा, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा इसको ब्लेंड करके देखते हैं, ये बहुत हल्का सा है, अगर आपको बहुत लाइट और नेचुरल सा चाहिए ना ठीक है, हाँ तब ये अच्छा है। ये कलर भी ब्लेंड करके हो गया बहुत प्यारा, हाँ भाई ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे पसंद आ गया है, ये मुझे समझ आ गई है कि ये मुझे बहुत पसंद आ गया है। ओके ये उस तरह का है जैसे मुझे लव केक और रिस्की बिजनेस पसंद है ना, ये उस टाइप का कलर है, हसीन। और ये देखें ये हाइलाइटर के साथ ब्लेंड हो गया, ये कुछ उस तरह का लग रहा है। और इसके ऊपर हल्का सा ब्लश ऑन लगा लूँगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये दो कलर, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और ये हल्का सा लाइट कलर है। ये आपने विदाउट मेकअप लगाना है, आपने बहुत जैसे होता है ना बहुत प्रोमिनेंट नहीं करवाना कि आपके मुंह पे लगे कि वो लगा हुआ है, तो आपने हल्का हल्का नहीं थोड़ा ज़्यादा लगा लें और उसको ब्लेंड कर लें और हल्का सा ब्लश लगा लें तो बहुत प्यारा लगेगा। जब वो वैसे लगा के मुझे लग रहा था यहाँ मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आएगा। तो शी ग्लैम के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। तो ये मुझे सारे अच्छे लगे हैं, अब इंशाल्लाह इसकी भी और इनकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जैसे मेकअप लुक करूंगी, और ये सारे कलर्स मैं आपको एक वीडियो में लगा के दिखाऊंगी इनका क्या है, पूरा रिव्यू आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, कितनी देर स्टे करते हैं, स्टे पावर क्या है इनकी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारा शी ग्लैम का हॉल और ये थी सारी शॉपिंग। तो और ये सारा कचरा ये भी हमने खुद उठाना है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं रैप और हम थक गए हैं और यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी हो रही है, एसी काम नहीं कर रहा है
और अब इस गंद को इससे पहले अम्मा आए गालियाँ दें, हमें घर से निकाल दें, उससे पहले हम ये सारा रैप करते हैं। और अब इंशाल्लाह हम मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। और आपको इनमें से कौन सी चीज़ बेस्ट लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपको क्या लग रहा है कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है इनमें। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।